आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर बिहार नीति देख रहे हैं। और आज के बिहार नीति एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि विधान परिषद में उठी विशेष राज्य के दर्जे की मांग, मंत्री विजेंद्र यादव ने नीति आयोग पर लगाया आरोप। दरअसल योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि नीति आयोग ने प्रदेश के क्रमिक विकास इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट को पूरी तरह दरकिनार किया गया है। यदि इस मानक को मापदंड में शामिल किया गया होता तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के दावे को और बल मिलता। विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता आसान हो जाती। मंत्री गुरुवार को विधान परिषद में सदस्य नीरज कुमार के ध्यानाकर्षण पर जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि नीति आयोग ने विकसित और विकासशील राज्यों के लिए गरीबों के मापदंड को एक समान रखा है, लेकिन विकास के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग राज्यों में विकास सूचकांक की प्राथमिकता बदली है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2005 से 6 में 1.69% थी, लेकिन 2006-07 में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 16.18% हो गई, जो कि राष्ट्रीय विकास दर 9.57% से काफ़ी अधिक रही। उन्होंने कहा कि केंद्र के आंकड़ों के अनुसार बिहार की वृद्धि दर वर्ष में 2016 से 17 में 8.9%, वर्ष 2018 से 19 में 9.3% और वर्ष 2019 में 10.5% रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि से अधिक है। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से 15 और 2019 से 20 की अवधि में प्रदेश में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में 17.9% की वार्षिक वृद्धि रही। उस वक्त राष्ट्रीय औसत 11.6% ही रही। 2004 से 5 में बिहार की 54.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, जो वर्ष 2011 में घटकर 33.7 हो गई। महज 7 वर्षों में गरीबी दर में 20.7% की कमी हुई थी। मंत्री ने सदन को बताया कि बिहार में 2005 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 5.6 लाख बच्चे शामिल हुए। इसके बाद बालिका साइकिल, कन्या प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के प्रभाव से बालिकाओं के नामांकन और शैक्षणिक उपलब्धियों में भी बड़ी उछाल आई। साथ ही साथ मंत्री ने अपने जवाब में स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र, बिजली, जीवन स्तर में सुधार, घर तक शुद्ध पेयजल समेत अन्य योजनाओं का हवाला देकर कहा कि हमने विकास के लिए जो क्रमिक रफ्तार अपनाई और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो कदम उठाए, वैसे इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट को नीति आयोग ने सीधे सीधे दरकिनार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।